ले जा रहे सकेगा? बोलो कौन भेजा है पानी लेने? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज आए हैं हम लोग जंगल वाले जो खेत है उस एरिया में, काफ़ी सारे धान को जमा किए, उसके बाद अभी खाना वाना खा के मैं फ्री हुआ हूँ तो सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लेता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है, तो वह चीज़ आज दिखाऊँगा। और आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों जंगलों में मंदिर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे दादाजी के भाई लोग यहाँ पर हैं और काफ़ी एरिया हम लोगों का यहाँ पर है। जैसा कि फार्म हाउस होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों का काफ़ी एरिया था, तो यहाँ पर ही इन लोग बस गए और हम लोग रहते हैं गांव के एरिया में। तो दोस्तों हम लोग फ़िलहाल गेट के अंदर की ओर जाते हैं। जैसे ही गेट के अंदर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मंदिर है, काफ़ी बड़ी मंदिर है। लेकिन आपने देखा दोस्तों ये काफ़ी बड़ी मंदिर है लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुआ तो थोड़ा सा ये डस्टी हो गया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले एक बार प्रणाम कर लेते हैं। ये है शिव मंदिर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलसी के लिए इसको बनाया गया था, ये भी थोड़ा सा डैमेज हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे मज़ेदार हमको लगता है ये गौ माता। दोस्तों प्योर पत्थर का बना हुआ है, काफ़ी मज़ेदार लगता है देखने में। थोड़ा सा दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि अंदर में भी काफ़ी जगह है। इसके अलावा अंदर में एक और गेट है, उसके बाद कुछ एरिया है बरंडा, उसको भी कवर करके रखा गया। ये जो मंदिर है हमारा ही फैमिली बनवाया था, मेरे दादाजी के भाई लोग यहाँ पर जिन्होंने ये मंदिर बनाया था जब वो थे, तो ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। इसका बागवानी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से चार दीवारी किया गया है। अब दोस्तों दिखाते हैं कि यहाँ पर एक कुआं है। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये कुआं है, लेकिन एक्चुअल में ये कुआं है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पैक है और जब आप इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा कुआं है। एक्चुअल में इस कुएं में जब ये खुदाई हुआ था उसके बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा पत्तल गिर रहे थे, तब इस कुआं को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और छोटा सा जगह रखा गया है पानी को निकालने के लिए। दोस्तों एक और आपको मज़ेदार बात बता देते हैं कि ये जो चार दीवारी है आप देख सकते हैं कि उस और आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। एक्चुअल में ये जो बाउंड्री है इसको काफ़ी बार रिपेयर किया गया है उस और इस और भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये तो जंगल एरिया है तो जंगली हाथी आते जाते हैं, और उस एरिया से जब भी कोई हाथी आता है जंगली हाथी तो वह बाउंड्री को तोड़ कर इस और निकलता है, उसका मेन रास्ता यही है। तो ये बाउंड्री लगभग 10-12 बार रिपेयर हुआ है लेकिन प्रतिवर्ष लगभग टूट ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्ट करने के लिए भी कुछ घर बनाया गया था, अगर आप बाहर से कोई आता है विजिट के लिए तो यहाँ पर रेस्ट कर सकता है आसानी से। तो दोस्तों ये थी छोटी सी ब्लॉग हमारे गांव के एक मंदिर के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार ब्लॉग के साथ।